पहले तो सी प्रोग्रामिंग था सिर्फ, सी प्रोग्रामिंग से क्या बना, बी एंड आर सी, बी मतलब ब्रेन और आर मतलब रिची, बी एंड आर सी इसके नाम से उसने बुक छाप दिया, खुद का नाम पहले लगा दिया, मार्केटिंग वाला बंदा है, आ रहा समझ में। उसके बाद में इसको अप्रूवल मिला एएनएसआई से, तो ये बन गया एएनएसआईसी। और आपको पता है अमेरिका ने कोई चीज बोला मतलब दुनिया उसको मान जाता है, जैसे अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया ये बन गया आईएसओसी, और जैसे ये आईएसओसी बन गया तभी से सीईसी है और अभी तक भी सीई है। हमारा करियर का शुरुआत ही कहां से होता है, सी से होता है, समझ में आ रहा है क्या। बट आपको बता दूं ये सी प्रोग्रामिंग जो है ये बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत लिया, इतना आसानी से थोड़ी ना बनता है। अब देखो क्या किया है उसने, अच्छा चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या किया उसने, डेनिस रिची ने, अच्छा ये बंदा है डेनिस रिची, देखो ये बंदा है, इसका नाम है डेनिस रिची। ये जो डेनिस रिची है इसने क्या किया, इसने सबसे पहला ना, डेनिस रिची ने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, याद रखना क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं यूनिक्स। इसने यूनिक्स को, यूनिक्स का डेवलपर भी कौन है, डेनिस रिची, और पीडीपी 11। देखो ये तो सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर कौन सा था, पीडीपी 11। तो पीडीपी 11 नाम का एक कंप्यूटर था, उसके अंदर उसने यूनिक्स डाला और उसके ऊपर उसने क्या बनाया, सी प्रोग्रामिंग बनाया। मतलब सी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए उसने क्या डेवलप किया, पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सर, ब्लैक कलर का स्क्रीन है, ग्रे कलर का टेक्स्ट है, यूनिक्स पेड है, आ रहा समझे, यूनिक्स जैसा ही हमारे पास में फ्री वर्जन वाला कौन सा है, लिनक्स है, आ रहा समझ में, क्लियर है क्या। बट तुम सोचो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और फिर उसके बाद में उसने क्या बनाया, सी बनाया। बोलो समझ में आता है क्या, क्लियर है क्या सबको। सी इज अ जनरल पर्पस हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972, ये आप अभी सब जानते ही हो। इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। अभी सी का कैसा खासियत है ना, सी को लो लेवल भी कहते हैं और हाई लेवल भी कहते हैं। लो लेवल का मतलब क्या है कि जो बाइनरी वाला काम है वो भी कर सकता है, हाई लेवल मतलब हमारा जो इंग्लिश में लिखा कोड है उसको भी समझ सकता है, आ रहा समझ में। इसके बाद में क्या बोला है, इट इज प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी को क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, मतलब पीओपी। हमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अभी C++ का, आप एग्जाम दोगे जो बोर्ड का आपका एग्जाम होगा उसमें डिफरेंस बिटवीन में एक कंफर्म क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड ओओपी, आ रहा समझ में। हाँ सी प्रोग्रामिंग के बहुत अलग अलग नाम है, जैसे डिप्लोमा में उसको प्रोग्रामिंग इन सी कहते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में जब सी प्रोग्रामिंग आता है फर्स्ट ईयर के अंदर तो उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच कहते हैं, आ रहा समझ में। बीएससी आईटी में जब सी प्रोग्रामिंग आता है तो उसको इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं, आ रहा समझ में। बीएससी सीएस में आता है तो उसको प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग कहते हैं, मतलब अलग अलग नाम है, सारा का सारा जो कंटेंट है वो सेम ही होता है, क्लियर है क्या। बट आपको एक चीज याद रखना है, सी प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बोलो समझ में आया क्या।